श्री मोहसिन रजा जी, सुरेश तिवारी जी, अमित बाल्मीकि जी, श्री प्रकाश पाल जी, शंकरलाल लोधी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज आज से 55 वर्ष पहले अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वह ज्योतिपुंज थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंत्योदय की बात की थी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था और उनका अंत्योदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जग विख्यात हुआ। दुनिया ने उसकी ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय में बदलने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कि डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हों, लेकिन वह सपना साकार होता है, यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक न एक दिनों बाद सच होगी और उस सच को साबित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन वचनों को साबित किया है आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो, यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है। सरकार की नौकरी निकलती है बिना भेदभाव के, उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो अर्हता रखता है उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।
वो अगर उसके लिए और है उसे उसका जगह मिलना ही चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले कि इस सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है, फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। याद करिए, अगर चिंतन अन्य राजनीतिक दलों में होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने को बचाव कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है का मंत्र नहीं देती। ये सेवा ही संगठन है यह मंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय नड्डा जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं, तो इसके पीछे की हेतु मंशा एक ही है कि हमारे लिए पहले देश की जनता जनार्दन, ये हमारे लिए सब कुछ है और उसके लिए कार्य करना, हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, अपने व्यक्तिगत हित अहित की चिंता के बगैर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के जीवन को त्राण दे सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का ये मंत्र उस कालखंड में देकर के देश के अंदर राजनीतिक विश्वास को भरने का काम किया था। अन्य राजनीतिक दल में प्रेरणा क्यों नहीं आई, क्योंकि उनकी चिंतन की धारा वो है ही नहीं। उनकी चिंतन की धारा का आधार गरीब नहीं है, कॉमन मैन नहीं है, उनके चिंतन की धारा का आधार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। और यही कारण है कि वे लोग उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के साथ पावन पुण्य तिथि के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण और उनके आदर्श हम सबके लिए नई प्रेरणा के बिंदु बनेंगे। मैं इस अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके पंडित जी को स्मरण करने का एक अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर राज्य शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद।